अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई वीडियो का अपडेट मिस ना कर पाएं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणाम रुझानों में मिल रही हार के बावजूद कांग्रेस का हौसला बरकरार है। कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल ने भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस मुक्त भारत के बयान को भी ख्वाब बताया है। अफजल ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत न कभी हुआ है न कभी हो सकता है। कांग्रेस को सत्ता से मुक्त किया जा सकता है लेकिन कांग्रेस मुक्त भारत जैसा कभी नहीं हो सकता। अगर कर्नाटक को ही देखें तो भले ही कर्नाटक में कांग्रेस को कम सीटें मिल रही हैं लेकिन उसका वोट प्रतिशत अभी भी भाजपा से 1% ज्यादा है। कर्नाटक चुनावों के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने बहुत मेहनत की है। राहुल ने कर्नाटक चुनावों से पहले 34 दिन बिताए हैं। उन्होंने 18 मेगा रैली की, 43 रोड शो किए और करीब 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की। 30 जिले और 162 विधानसभा सीटें राहुल गांधी ने कवर की हैं। इन आंकड़ों के अलावा एक और जो बड़ी चीज है वे है ये कि सीट न आना तकनीकी कारण है लेकिन वोट प्रतिशत बता रहा है कि कर्नाटक की जनता भाजपा से ज्यादा कांग्रेस को पसंद कर रही है। मीम अफजल ने कहा कि वे सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जीत और हार हमेशा स्वीकार की जाती है। जहां तक लिंगायत मसले की बात है तो यह स्पष्ट हो चुका है, कांग्रेस ने जो ठीक समझा वे किया। भाजपा सरकार में आ रही है तो अब देखते हैं वे क्या करती है।